क्या आप जानते हैं कि कोयला आज भी इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है और शायद इसी के जरिए आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी भी चलती है। मगर कोयले की एक्सट्रैक्टिंग एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। दोस्तों, आज हम उस मूवी के बिहाइंड द सीन्स और शूटिंग को देखने वाले हैं जो एक कोयले की घटना पर आधारित है, सत्य घटना पर आधारित। कोयले की खान में काम करने वाले वर्कर्स ये जानते हैं कि खदान का काम करते समय गैस, सफोकेशन, धमाके, एक्सीडेंट, पॉइजनिंग जैसी चीजें हो सकती हैं। ऐसे में जो लोग नीचे जाकर इस तरह के काम को अंजाम देते हैं, उनकी जिंदगी चैलेंजेस से भरी होती है। ऐसा ही एक चैलेंज 1989 में 65 माइनर्स के जीवन में आया था, जो काम करते हुए माइंस के अंदर फंस गए थे। उनको बाहर निकालने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी IIT धनबाद के एक माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल ने। इन्होंने बहुत ही कम वक्त में इन 65 लोगों को रेस्क्यू किया था। इस मूवी को शूट करना ही अपने आप में एक चैलेंज था, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा रियल लोकेशन पर शूट हुआ है। मूवी की टीम के लिए सबसे चैलेंजिंग था एक ऐसा कोल माइनिंग सेट बनाना जो बिल्कुल उस वक्त के रानीगंज माइन जैसे दिखता हो। ऑथेंटिसिटी और रिलेटेबिलिटी को मेंटेन करना ही मेकर्स का मेन गोल था। इसके लिए लगने वाला 40 फीट का होल भी बिल्कुल उसी तरह खोदा गया था जो उस वक्त के होल को रिजेम्बल कर सके। मूवी के लिए ओरिजिनल माइन जैसा सेट इसलिए बनाया गया था ताकि एक्टर्स शूटिंग के टाइम उस दुखद घटना वाले सफोकेशन को वैसे ही महसूस कर सके जैसे उन फंसे हुए माइनर्स ने किया होगा। ये सब इसलिए ताकि वो रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे सके। अंडरग्राउंड माइनिंग का सेट कुछ इस तरह से क्रिएट किया गया था कि पूरा 1989 का माहौल क्रिएट किया जा सके। फिर उसके अंदर पंप से पानी छोड़ा गया और एक स्पेसिफिक लेवल पर आने के बाद ही शूटिंग की शुरुआत की गई। 1989 के रेस्क्यू मिशन में जसवंत जी ने एक लोहे की कैप्सूल बनाई थी जिसके जरिए वो खुद माइनिंग फील्ड के अंदर गए और 65 वर्कर्स को रेस्क्यू किया और आखिर में खुद भी उसी के जरिए ऊपर आए। शूटिंग के लिए टीम ने भी डिट्टो वैसा ही कैप्सूल बनाया था। इस बात का ख्याल रखा गया कि उसमें एक आदमी आराम से फिट हो सके, तो कुछ ऐसा दिखता है वो कैप्सूल जिसे क्रेन की मदद से होल में डालकर नीचे माइनिंग के अंदर छोड़ा जा रहा है। शूटिंग के दौरान माइनिंग फील्ड के अंदर ब्लू क्रोमा स्क्रीन वाले कुछ लोगों को हेल्प के लिए अंदर खड़ा करवाया गया था। उन्हें फिर बाद में एडिटिंग के वक्त रिमूव कर दिया गया। कुछ कुछ जगहों पर ग्रीन स्क्रीन का भी इस्तेमाल किया गया था। ये शूटिंग पूरी सेफ्टी के साथ की गई थी, मगर फिर भी इसमें थोड़ा रिस्क तो था ही। शूटिंग के लिए कैमरास को अंदर लाना, प्रॉपर लाइटिंग की अरेंजमेंट करना और कैमरे को प्रॉपरली ऑपरेट करवाना टीम के लिए एक अनोखा चैलेंज था। यहाँ हम देख सकते हैं कि पानी के अंदर कैमरास को कैसे ऑपरेट किया जाता था। सीलिंग के ऊपर भी रोलिंग कैमरा को फिट करवाया गया था। कैमरे को प्लास्टिक से कवर किया जाता था ताकि वो खराब ना हो। ये पूरा अंदर वाला सेटअप इस जमीन के नीचे हुआ था। उस टाइम आसपास के गांव वालों ने शूटिंग देखने के लिए काफी भीड़ लगा दी थी। जितना मुश्किल 1989 का ये रेस्क्यू मिशन जसवंत जी के लिए था, अक्षय कुमार के लिए भी इस फिल्म की शूटिंग उतनी ही मुश्किल थी। फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। आपने ये मूवी देखी या फिर देखने वाले हैं? जो भी है कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।